हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एप्पल के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एप्पल ले लिए हैं और इनको मैं अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लूंगी। देसी घी, खोया, चीनी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, गोला, इलायची पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एप्पल को ग्रेट कर लिया है। इसको फ्रेंड्स जब भी आप हलवा बना रहे हो, जब भी फ्रेश फ्रेश ग्रेट करना है आपको, नहीं तो ये ब्लैक हो जाते हैं और इनके बीज मैंने निकाल लिए थे। फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं 4 स्पून देसी घी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, देसी घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एप्पल डालूंगी। फ्रेंड्स, आपको एप्पल का जितना भी इसमें पानी होता है इसे जलाना है और इसे लगातार आपको चलाना है, क्योंकि ये नीचे जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से देसी घी अलग होने लगा है, इसका मतलब एप्पल का पानी जल चुका है। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 कटोरी डालूंगी, क्योंकि एप्पल मीठे ही होते हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं शुगर। देखिए फ्रेंड्स, चीनी इसमें घुल चुकी है और जो उसका पानी होता है वो भी सूख चुका है। देखिए फ्रेंड्स, फूड कलर है ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालें, नहीं मन हो तो ना डालें। ये मैं 2 पिंच इसमें डालूंगी। फ्रेंड्स, आप इस एप्पल के हलवे को किसी भी फास्ट में खा सकते हो। जब आप इस हलवे को फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप कलर ना डालें। नवरात्र, कोई भी आप जो भी फास्ट रखते हो उसमें इस हलवे को खा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, खोया, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। 1 स्पून देसी घी और डालूंगी फ्रेंड्स, ऊपर से अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1/2 स्पून इलायची पाउडर। सभी ड्राई फ्रूट डालूंगी फ्रेंड्स, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं। नारियल, गोला, बादाम, इनको मैंने काट लिया था। पिस्ता, इनको भी मैंने कट कर लिया था। काजू और किशमिश मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एप्पल का हलवा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आप इसे बनाइए और खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए एप्पल का हलवा आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।